यूट्यूब पे देखा था भैया का स्पीकर जी, ऑडियो पॉइंट का जी, और मैंने यहाँ से कंप्लीट परचेस किया है सामान। खतरनाक बेस आ रही, शटर पूरे हिल रहे भाई साहब, मजा आ गया। खाली अभी टॉप ही टॉप चल रहा है, बेस नहीं चल रहा हमारा। बेस चलेगा तो क्या होगा भाई साहब, बेस चलेगा तो क्या। भैया हमारी जो ये बेस रखी हुई है भैया, इसमें बेस में कौन से स्पीकर लगाने वाले? भैया 4.5 इंची वो स्कोर के 18 इंची 1600 वाट में स्पीकर लगाने वाले हैं इसमें। जी भैया, अभी स्पीकर कौन सा होने वाला भैया? ऑडियो पॉइंट। भाई साहब देख सकते हैं। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अदर ब्लॉग। आई होप गाइस आप लोग बढ़िया होंगे, मैं बढ़िया। सो गाइस, आज का ब्लॉग काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज आज जो हम इस ब्लॉग में कवर करने वाले हैं वो होने वाला 4 टॉप 2 बेस ऑडियो पॉइंट के ओरिजिनल वाले। मेरे सब्सक्राइबर भाई आए थे, मुझे कॉन्टैक्ट किया, उन भाई ने बोला कि भाई मुझे ऑडियो पॉइंट के स्पीकर चाहिए, बाकी सब इन्फॉर्मेशन देंगे भैया। तो भैया से मिलते हैं, भैया कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ भैया। तो भैया आज का जो वीडियो होने वाला, क्या होने वाला भैया? भैया आज एक गुजरात की पार्टी थी, तो हमें उसको 4 टॉप और 2 बेसें देनी है। 4 टॉप देना है 500 वाट के जी, 3.25 इंची वॉइस कॉल में पी ऑडियो मॉडल होता है जी भैया, ठीक है, ऑडियो पॉइंट में देंगे जी। और 1600 वाट की 4.5 इंची वॉइस कॉल की जी चैलेंजर मॉडल में बेसें देंगे, 2 RCF की दलन की रेड पेंट में। तो भैया जो हमारे बहुत से लोग सब्सक्राइबर थे ना भाई लोग, हमारे वो कमेंट करके बोल रहे थे कि भाई आपने ऑडियो पॉइंट के स्पीकर तो दिखाया बट उसके प्राइस नहीं बताया, तो आप उसके लिए कुछ बताना चाहोगे, बोलना चाहोगे? भैया देखो, रिसेंटली अभी लास्ट 3 महीने से रेट बहुत ज़्यादा अपडाउन हो रहे हैं, तो रेट देना पॉसिबल नहीं है जी, ठीक है। रोज़ के रेट अपडाउन हो रहे हैं, तो भैया रेट देना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है जी भैया। तो रोज़ अपडाउन हो रहा है, अगर हमने आज रेट दिया, आप 1 महीने बाद बोलोगे फोन करके कि भैया आपने ये रेट दिया था वीडियोज़ में, आप पहले एक बार वीडियो की ड्यूरेशन जरूर चेक करें एक बार देखने से पहले कि वो कितने महीने पहले बनी हुई है जी। बाकी बेस्ट रेट मिलेंगे उसकी गारंटी हमारी रहेगी हमेशा जी भैया। लेकिन भैया अगर रेट बढ़ रहे हैं तो मजबूरी में हमें भी रेट बढ़ाने पड़ते हैं, पुराने रेटों में माल नहीं दे पाएंगे, ये दिक्कत है। आज का जो वीडियो हम शूट करने वाले हैं उसके अंदर मैं आपको जो भी स्पीकर होने वाले हैं उसके बाय टू बाय रेट बताऊंगा, और कैबिनेट की भी रेट बताऊंगा। और भाई जिसको खाली कैबिनेट चाहिए होगा या फिर सिंपल स्पीकर भी चाहिए होगा तो भैया से कॉन्टेक्ट कर सकता है। तो भैया क्या मिल सकता है? बिल्कुल भैया, खाली कैबिनेट भी मिल जाएगी जी, आपको एम्प्टी कैबिनेट चाहिए विद एलन की आरसीएफ मॉडल, जेबीएल मॉडल, पेंट दाने में, कंबल में, सब अवेलेबल है भैया, सब मिल जाएगा। और भैया स्पीकर के साथ कंप्लीट भी मिल जाएगी जी, कोई दिक्कत नहीं है। फोन घुमाइए, अकाउंट में पेमेंट डालिए, ट्रांसपोर्ट लग जाएगा, बिल्कुल खर्चा वो आपको देना ही है, देखो भैया वो आपका हक है। बिल्कुल भाई, वो हम आपसे छीनेंगे नहीं, खर्चा आपने देना है जो भी होगा। नहीं नहीं बिल्कुल, ठीक है भैया। तो भाई फटाफट वीडियो करते स्टार्ट, और मैं अभी अपने सब्सक्राइबर भाई से मिलवाऊंगा जो भी आए हैं गुजरात से, तो करते वीडियो को स्टार्ट। बिल्कुल बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलते हैं फटाफट वीडियो करते स्टार्ट, तो मिलता हूं मैं आपको वीडियो में। सो फाइनली गाइस, जैसे देखते हो हमारे साथ यहां बैठे हैं हमारे भैया जो सब्सक्राइबर हैं, भैया आ रखे हैं यहां पर। तो भैया कैसे हैं आप? बस बढ़िया भैया, कहां से आए हमारे बताइए जरा सब्सक्राइबर। मैं गुजरात जी वापस से आया हूं जी, यहां माल लेने। मैं यूट्यूब पे देखा था भैया का स्पीकर जी, ऑडियो पॉइंट का जी, और मैंने यहां से कंप्लीट परचेस किया है सामान जी भैया। ऑडियो पॉइंट के स्पीकर जी, कैबिनेट, मशीन, सब चीज़ मैंने लिया, कंप्लीट सेटअप जी भैया। तो भैया आपको आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने वहाँ से वापस से ट्रेन पकड़ा जी, डायरेक्ट मैं दिल्ली उतरा जी, वहाँ से लाल किले, लाल किले के सामने जी जस्ट यहाँ पे शॉप पे आ गए। आप ये बताइए कि जो ऑडियो पॉइंट के स्पीकर आपको क्या लगे, ओरिजिनल लगे एकदम? सब ओरिजिनल है जी भैया, कोई डुप्लीकेट का काम नहीं जी भैया, तो ट्रस्टेबल है भैया। हाँ भैया, क्या दिक्कत लगे हमारे? यहाँ नाश्ता पानी चाय सब कुछ मिलेगा जी भैया, बैठने की जगह सब कुछ। तो गाइस मैं एक बार आपको फिर दिखा देता हूँ कि भैया का जो सेटअप होने वाला है अभी, स्पीकर जो होने वाला है मैं आपको वो दिखाता हूँ, कौन कौन से होने वाले हैं, कितने इंचज़ के होने वाले हैं, डब्बे में कैसे हैं, बाहर कैसे, कौन सा बेस का होने वाला है, कौन सा हमारा टॉप का होने वाला, तो मैं फटाफट आपको दिखाता हूँ बिना टाइम को वेस्ट करते हुए नहीं। और भाई ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं इसमें आपको फिटिंग भी करते हुए दिखाऊंगा और बाद में आपको लास्ट में उसको चला के भी दिखाऊंगा, उसका जो फीडबैक आने वाला आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर इस वीडियो पे आप लोगों ने 1500 लाइक कर दिए तो भाई आपके लिए नया वीडियो आने वाला है, जो आप कमेंट करोगे उसके लिए नया वीडियो आ जाएगा आपके लिए। तो फटाफट मैं आपको दिखाता हूँ क्या लिया भैया ने, तो चलो चलते हैं। देख सकते हो यहाँ पे भैया का ऑडियो पॉइंट के स्पीकर रखे हुए 15 इंच के, देख सकते हो यहाँ काफ़ी ज़्यादा अभी डब्बे पैक यहाँ पर सील हो रखे हैं, देख सकते हो, ये देख सकते हो यहाँ पे, ये देख सकते हो भाई यहाँ पर सब पैक है, देख सकते हो यहाँ पर भाई ये स्पीकर है, यहाँ पर ऑडियो पॉइंट के ओरिजिनल और रखा भाई, जैसे कि आपको मैंने पहली वीडियो में भी दिखाया था, इंट्रक्शन आपको मिलते हैं सारे। और यहाँ पर देख सकते हो भाई पैकिंग इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है ऑडियो पॉइंट की। यहाँ पर हमारा भाई एक दुकान निकले भाई हमारे, निकालो भाई निकाल के दिखाना हमारा भाई, बहुत से लोग कहते हैं कि भाई अच्छे से रिपैक कर दे भाई, देख सकते हो ओवरऑल यहाँ पे फिनिशिंग काफ़ी ज़्यादा इसकी अच्छी होने वाली है। और भाई यहाँ पर डस्ट कैप पे ऑलरेडी लिखा हुआ है भाई ऑडियो पॉइंट, तो भाई यहाँ पर ओरिजिनल का देख सकते हो मार्क यहाँ पर आर दे रखा है, तो भाई ये ओरिजिनल ही स्पीकर है, देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इसका लुक आने वाला है, काफ़ी अच्छा होने वाला है भाई। इसका बैक साइड दिखाने जरा भाई, देख सकते हो यहाँ पर जो 500 वाट स्पीकर लिखा हुआ है, और यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोफेशनल स्पीकर ऑडियो पॉइंट। भाई यहाँ देख सकते हो एयर वेंटिलेशन के लिए एक जाली लगा रखी है भाई, देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा ओवर लुक यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। और यहाँ पर देख सकते हो इसकी मैगनेट, देख सकते हो यहाँ पर हमारे बॉक्स होने वाला है, ये देख सकते हो यहाँ पर
भाई RCF मॉडल में होने वाला है ये बॉक्स हमारा, देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला। अभी ये इनपट्टी बॉक्स है भैया, इसको करते हैं फटाफट, इसके अंदर वायरिंग करें, स्पीकर फिट करें। भाई यहाँ पे ऑल हमारा ये ओवरलुक यहाँ पर पेंट वर्जन होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा यूनिक लुक दे रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ही शाइनी लुक दे रखा है और बहुत ही अच्छा एकदम इसमें टेक्चर आ रखा है। और भाई यहाँ पर एलंकी के साथ होने वाला, भाई यहाँ पर छह यहाँ पर लगी एलंकी, ये देख सकते हो साइड में भी एलंकी लगी, इधर भी एलंकी है और इधर भी एलंकी लगी है। भाई काफ़ी ज़्यादा मस्त होने वाला, भाई जाली देख सकते हो यहाँ पर, भाई काफ़ी मस्त होने वाली जाली है। फटाफट इसको करते हैं, स्पीकर लगाते हैं इसके अंदर, फिर तैयार करते हैं। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फिनिशिंग दे रखी है अच्छी एकदम, देख सकते हो भाई अंदर इसके अंदर यहाँ पर ये दे रखा है एयर के लिए दे रखा है। भाई काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मोटा यहाँ पर होने वाला है ये कंबल इसके अंदर का, देख सकते हो एयर के लिए यहाँ पर एयर वेंटिलेशन के लिए दे रखी है। भाई ने यहाँ पर नेट प्लेट लगाई है, नेट प्लेट भी यहाँ पर भाई ने फिक्स कर रखे हैं। फटाफट भाई इसके अंदर स्पीकर लगाते हैं। स्पीकर लगने आ रहा है भाई, स्पीकर लगने के बाद आपको इसका दिखाता हूँ मैं रिव्यू क्या होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है, तो भाई वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो गाइस जैसे देख सकते हैं यहाँ पर भाई ट्यूटर लगा रखा भाई ने साउंड्स का, देख सकते हो भाई यहाँ वायरिंग हो रही कंप्लीट। तो भैया फटाफट करते हैं इसे फिटिंग। सो गाइस जैसे देख सकते हो भैया यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, जैसे कि भाई स्पीकर चेक कर रहे हैं कि भाई स्पीकर सही लगाया कि नहीं लगाया, देख सकते हो उसमें आवाज़ आ जाएगी। तो भाई यहाँ पे स्पीकर की आवाज़ आएगी, तो जैसे लग रहा है कि हाँ भाई स्पीकर सही फिटिंग हुई है। सो फाइनली गाइस जैसे देख सकते हो तो यहाँ पूरा ये तैयार हो चुका है और कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरह का दिख रहा है। अब भाई इसके जाली लगाने वाले हैं, तो भैया जहाँ पर देख सकते हो RCF की जाली देख सकते हो, भाई काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लुक दे रही, बहुत ही ज़्यादा अच्छी जाली रखी है यहाँ पर। अब फटाफट और हैवी भाई, इतनी हैवी दे रखी कि भाई देख सकते हो भाई बहुत ज़्यादा हैवी भाई इसे कर रहे हैं फटाफट इसके अंदर टाइट, और फिर इसको हम चेक करते हैं फटाफट। सारे स्पीकर हमारे तैयार हो चुके हैं, सारे टॉप तैयार हो चुके हैं, यहाँ पर ये तैयार हो चुका है हमारा, ये कम्प्लीट हो चुका है और ये वाला भी कंप्लीट हो चुका है हमारा, और ये लास्ट हमारा पीस यहाँ पर रह गया। तो भाई इसे कंप्लीट करके फटाफट लेते हैं इसकी टेस्टिंग। और अभी हमारी दो बेस पड़ी हुई है, दो बेस को भी देखेंगे भाई क्या रिव्यू आने वाला, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला भाई साहब। सो फाइनली गाइस जैसे आप लोगों ने देखा अभी टॉप की फिटिंग, तो भाई अब चलते हैं बेस की फिटिंग। भाई बेस में जो स्पीकर लगने वाले हैं वो भी ऑडियो पॉइंट के ही होने वाले हैं, वो भी ओरिजिनल 18 इंची के स्पीकर होने वाले हैं और काफ़ी ज़्यादा मस्त होने वाले हैं, और 1600 वाट के स्पीकर होने वाले। तो भाई जो हमारी कैबिनेट होने वाली है वो हमारी कब में होने वाली है, रिवर्स में होने वाली है, तो भाई उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा तगड़ी बेस आने वाली है। तो भाई चलते फटाफट देखते हैं उसकी फिटिंग, और आपको मैं इसकी टेस्टिंग भी दूंगा फिटिंग होने के बाद। तो फटाफट चलते हैं, टाइम को बिल्कुल ना वेस्ट करते हैं। भैया हमारी जो ये बेस रखी हुई है भैया, इसमें बेस में कौन से स्पीकर लगाने वाले हैं? भैया 4.5 इंची वॉइस कॉल के, 18 इंची 1600 वाट में स्पीकर लगाने वाले हैं इसमें। जी भैया, अभी स्पीकर कौन सा होने वाला भैया? ऑडियो पॉइंट। भाई साहब देख सकते हो ऑडियो पॉइंट क्या देख सकते हो, काफ़ी जो पहले आपको वीडियो में दिखाया था भाई यहाँ पर देख सकते हो टेक्सचर बड़ा अच्छा होने वाला है, वाटर प्रूफ होने वाला है भाई, देख सकते हो 1600 वाट के अंदर उसे होने वाला हमारा, ये देख सकते हो 1600 वाट 8 ओम्स में भाई देख सकते हो। भाई क्या प्राइस पड़ा इसका? ये वाला प्राइस आपको पड़ेगा 7000 रुपये का स्पीकर। तो भाई 7000 का आपका स्पीकर पड़ने वाला है, ये भाई देख सकते हो ये बेस का स्पीकर होने वाला 18 इंची अंदर, भाई 4.5 इंची वॉइस कॉल में, 4 इंची वॉइस कॉल, 4.5 इंची 114.5 mmp वॉइस कॉल पड़ी हुई है। भाई साहब देख सकते हो आप हमारे रिवर्स पे लगने वाली हमारी बेस देख सकते हो रिवर्स पे, तो भैया फटाफट फिटिंग करते हैं इसको। भाई देख सकते हो ऐसे टर्नलर्स यहाँ पर दो दो स्पीकर होने वाले बाहर देख सकते हो भाई। भाई इसका जो फ्रेम होने वाला है काफ़ी ज़्यादा मजबूत होने वाला है, देख सकते हो भाई इसके अंदर जो भाई कॉर्ड लगी काफ़ी इंपॉर्टेंट लगी भाई, ऑडियो पॉइंट की लगने वाली है, और भाई रिवर्स यहाँ पर बेस तैयार होने वाली है, देख सकते हो भाई एक ऑडियो पॉइंट यहाँ पर भी, एक ऑडियो पॉइंट भाई रिवर्स में बेस होने वाली है, काफ़ी तगड़ी इसमें बेस आपको मिलने वाली है, देख सकते हो यहाँ पे। और लिख फटाफट इसको फिनिश करते हैं, उसके बाद इसकी टेस्टिंग लेते हैं। फाइनली गाइस यहाँ पे अभी स्पीकर फिटिंग हो चुके हैं, अब लेते हैं इसकी बेस की टेस्टिंग फटाफट लेते हैं भाई, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया फिटिंग करते करते। भाई जो इसकी प्लाई है ना काफ़ी ज़्यादा मजबूत है भाई, देख सकते हो पेज ना भाई घुस नहीं रहे इसके अंदर वो भी मशीन से, तो भाई पेज कैसे क्या इंसर्ट टाइट करेगा भाई साहब देख सकते हो। और यहाँ पर एयर वेंटिलेशन के लिए यहाँ दे रखा है ऑलरेडी, यहाँ की बेस की जो वहाँ पर बेस की जो एयर भी निकलेगी यहाँ से निकलेगी। अभी कोशिश कर रहे हैं एक नट यहाँ पर टेढ़ा हो गया भाई उसको सीधा करने के लिए, भाई देख सकते हो यार भाई जो आपने अभी तक बेस देखी होगी एक पेज कसी जाती है भाई, इसके अंदर दो दो पेज कसी जा रही है, कितनी हैवी होने वाली है भाई देख सकते हो। भाई साहब हमारे भाई भी कह रहे हैं कि अब मत लगाओ बहुत हो गया इसके अंदर पेज कस बहुत ज़्यादा, भाई देख सकते हो दो दो पेज लगाया गया भाई,
काफ़ी ज़्यादा हैवी प्लाई हो रखी है और भाई पहली बार आपने स्पीकर में देखा हो कि भाई दो दो नट कसा गया है। बाकी तैयार हो गया, फटाफट लेते हैं इसकी टेस्टिंग। भैया इसमें हम एम्पलीफायर कौन सा यूज़ करने वाले हैं? भैया NX Audio 16G Rekordon का। तो कौन सा भैया दिखाइए जरा। जी भैया, भाई यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर हमारे एम्पलीफायर होने वाला है। भैया जो हमारे एम्पलीफायर होने वाला है वो कितने वाट का होने वाला है? ये भैया 6000 वाट। 6000 वाट का भाई देख सकते हैं, 6000 वाट का एम्पलीफायर होने वाला है NX Audio के नाम से। भाई देख सकते हो 1201 भाई देख सकते हो, डब्बे की पैकिंग इतनी तगड़ी कर रखी है भाई, डब्बे के अंदर डब्बा दे रखा है, उसके ऊपर से पॉलिथीन भाई देख सकते हो। देख सकते हो भाई साहब पैकिंग इसकी इतनी ज़बरदस्त की गई है भाई NX Audio। भाई देख सकते हो फाइनली यहाँ पर हमारा आ चुका है एम्पलीफायर, देख सकते हो NX Audio का एम्पलीफायर हमारा आ चुका है MT1601 का। और भाई यहाँ पर 4 फैन होने वाले हैं इसके, एक यहाँ पे होने वाला है और एक यहाँ पे होने वाला है और एक बैक साइड पे 2 फैन होने वाले हैं। ओवरलुक इसकी काफ़ी ज़्यादा इसकी अच्छी होने वाली है NX Audio की। भाई इसकी वायरिंग देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा हैवी होने वाली है, भाई मेरी उंगली देख सकते हो और वायरिंग देख सकते हो भाई दोनों बराबर है। और भाई यहाँ पे देख सकते हो इसका प्लगिंग देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा यहाँ पर होने वाला है, ओरिजिनल होने वाला है भाई यहाँ पर देख सकते हो। और भाई इसका बैक लुक भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा, भाई यहाँ देख सकते हो इसका बैक लुक काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अच्छा होने वाला है। ये देख सकते हो भाई यहाँ पे NX Audio के यहाँ पर मार्क दे रखा है भाई ओरिजिनल के लिए जैसे देख सकते हो। और भाई यहाँ पर ये दे रखा है आपको NX Audio का ओरिजिनल जानने के लिए। और भाई यहाँ पर एक मिक्सर भी होने वाला हमारा यहाँ पे फोनिक का होने वाला मिक्सर यहाँ पर भाई देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। भाई इसका मिक्सर का प्राइस आपको भाई वीडियो में एंड में बताऊंगा क्या होने वाला है, और इस मशीन के भी प्राइस आपको मैं बताऊंगा एंड में। यहाँ पर जो मिक्सर रखा हुआ है वो रखा है फोनिक्स का, और भाई इसके अंदर 3 चैनल के होने वाले हैं हमारे मिक्सर। भाई काफ़ी ज़्यादा इस डिमांडेड वाला ये मिक्सर होने वाला हमारा, और भाई काफ़ी ज़्यादा वेट वाला है, भाई बहुत ज़्यादा वेट है इसके अंदर, लिटरली काफ़ी ज़्यादा वेट है इसके अंदर देख सकते हो। दाने वाला पेंट और भाई दाने वाला पेंट हो रखा है इसके अंदर देख सकते हो, और इसके अंदर ओवरऑल फिनिशिंग इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो रखी है। भाई अब देखते हैं इसके फटाफट टेस्टिंग लेते हैं और क्या इसका रिव्यू आने वाला, फटाफट चलते हैं फिर आपको। गाइस देख सकते हो यहाँ पर 4 टॉप हमारे तैयार हो चुके हैं और हम इसके टेस्टिंग लेने लिए तैयार हो रहे हैं। भाई देख सकते हो ओवरऑल यहाँ पर फिर से दिखा दे रहा हूँ मैं आपको सारे टॉप का काफ़ी ज़्यादा। हमारा सेटअप है भाई देख सकते हो, इस पे चल रहा है अभी 4 टॉप हमारे इस पे चल रहे हैं भाई 4 टॉप। और भाई हमारे मिक्सर है 3 चैनल का देख सकते हो, यहाँ से ऑपरेट किया गया भाई इसको। भाई काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बेस आ रही है, शटर पूरे हिल रहे हैं भाई साहब, मज़ा आ गया। खाली अभी टॉप ही टॉप चल रहा है, बेस नहीं चल रहा हमारा। बेस चलेगा तो क्या होगा भाई साहब, बेस चलेगा तो क्या होगा हमारा देख सकते हो। भाई यहाँ पर एक ही चैनल पर चला रखा भाई ने, काफ़ी ज़्यादा लुक मस्त आ रहा है भाई, वहाँ पर इतना मज़ा आ रहा भाई साहब क्या बताऊँ, उसकी आवाज़ इतनी खतरनाक आ रही है। खाली 4 टॉप चल रहा है, खाली 4 टॉप देख सकते हो भाई। ये भाई हमारा ऑपरेटर है, भाई हमारा बजा रहा है। भाई साहब बेस बड़ी कैडी आ रही है भाई देख सकते हो, बहुत आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। भाई ब्लॉग काफ़ी लंबा होगा क्योंकि भाई स्पीकर से लेकर हमने फिटिंग तक आपको सब दिखाया, वायरिंग वायरिंग सब दिखाई।
और यहाँ तक कि जो हमने एम्प लगाया था, जो मिक्सर लगाया था, सब आपको दिखाया भाई। काफ़ी लंबी वीडियो होगी, आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। और वीडियो पसंद आएगी तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। और कुछ बातें मैं भैया से आपको बताना चाहता हूँ कि भैया जो स्पीकर हमारा टॉप में लगा था कितने वाट था भैया? वो 500 वाट का स्पीकर था, 3.25 इंची वॉइस कॉल, 3.25 इंची वॉइस कॉल मतलब 82.5 mm की कॉल। जी भैया, ठीक है भैया। तो उसका प्राइस क्या था भैया, प्राइस भैया? वो स्पीकर 3500 रुपये का है, 500 वाट का भाई। 500 वाट का 3500 रुपये का स्पीकर मिल रहा है भाई, वाला टॉप वाला। और भैया जो हमारा बेस का स्पीकर कौन सा था भैया? वो 18 इंची 1600 वाट का था, 4.5 इंची वॉइस कॉल मतलब 114.5 की वॉइस कॉल, वो 7000 रुपये का स्पीकर है। 7000 रुपये का स्पीकर है जी भैया। तो भैया टोटल फाइनली वायर वायर को कलेक्ट करके और टॉप का कैबिनेट का टोटल प्राइस क्या है? जो मैंने दो मशीन दी थी जेनेक्स ऑडियो वाली, ठीक है, प्रोटोन 1600 जी, ठीक है, और एक मैंने फोनिक का मिक्सर दिया, 3 चैनल का ओरिजिनल मिक्सर था वो जी, ठीक है भैया। और वायरिंग से लेके 2 बेस है 4 फुट RCF में जी, और 4 टॉप 500 वाट के, और दो बेस 1600 वाट की जी भैया। मैंने इनको पूरा सेटअप दिया है 2 लाख रुपये का। 2 लाख रुपये का, तो भाई देख सकते हो ये आपको टोटल जो है 4 टॉप 2 बेस 2 एम्पलीफायर और एक फोनिक्स का मिक्सर वायरिंग इंक्लूडिंग बाय वायरिंग। तो भाई टोटल इनका पूरा जो बजट बैठा है वो 2 लाख रुपये का बैठा है। तो आई होप गाइस आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगी और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने क्या करना है, अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलता हूँ मैं ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।